कविताएं जहां जी चाहे वहां रहती हैं, कभी नीले आसमान में, कभी बंद खिड़कियों वाली सकरी गली में, कभी पंछियों के रंगीन परों पर उड़ती हैं कविताएं, तो कभी सड़क के पत्थरों के बीच यूं ही उगाती हैं। कविता के अलग अलग रूपों को समर्पित है हमारी पॉडकास्ट श्रृंखला प्रतिदिन एक कविता। कीजिए एक नई कविता के साथ अपने हर दिन की शुरुआत। आज हम सुनेंगे सूर्य बालाजी की कविता सदी संवाद, उन्हीं की आवाज में। सदी संवाद। आधी सदी पहले वो मेरा छोटंका देवर रसोई के दरवाजे पर डंका सा पीटता था कि उसे स्कूल की देरी हो रही है, और 22 की मैं सहमी सक पकाई, चूल्हे से फूली गरम रोटियां निकाल उसकी थाली में सरगाती थी, और फिर नल की धार में भाप से जली अपनी उंगलियां ठंडाती थी। छज्जे से देखता मेरा पति मन ही मन आश्वस्त हो लेता था कि यह स्त्री उसका कुटुंब संभाल ले जाएगी। आधी सदी बाद खिचड़ाए बालों वाला वो मेरा अधेड़ देवर अब मेरे पैरों को इस तरह छूता है कि उन्हें मंदिर की देहरी बना देता है, और जूते के तस्मे बांधता मेरा पति रुंधे कंठ से सोचता है कि यह भाई इस स्त्री की संभाल कर ले जाएगा। आज की कविता को आप पॉडकास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं। आप जहां भी प्रतिदिन एक कविता सुन रहे हैं वहां अपने कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की यह प्रस्तुति हर सुबह आपके व्हाट्सएप पर आ जाए तो हमें इस नंबर पर मैसेज भेजें 7428775376। कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे।